आपके साथ रास्ता कर रहा हूं आपके साथ हो गया और मिलकर हमको कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूँ आपके साथ आयुष मिश्रा। लोकसभा चुनावों के 3 चरणों का मतदान हो चुका है, बाकी बचे चरणों के मतदान के लिए चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। सभी सियासी दल पूरे दमखम के साथ चुनावी रण में उतर चुके हैं। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने भाजपा की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल वाराणसी में डोर टू डोर कैंपेन के दौरान भाजपा विधायक और उनके समर्थकों का स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। पहले आप ये वीडियो देखिए। विरोध भी हमने रात को कहा था कि मैं हमने विरोध में है। सुनो यार, प्लीज पेशेंस, क्या हुआ? प्लीज पेशेंस। और धर्मेंद्र को रोका था, आपको मैंने रोका नहीं था। आप विरोध बोल रहा हूँ, साढ़े चार सौ परिवार अगर खर्च विधायक चार बजे आए हम लोग कचहरी से, कल 4 बजे कचहरी से कागज कलम दे दीजिए। साजिश कर्ता के रूप में इनका नाम है। मेरे जीते जी नहीं हो पाएगा, इनके मकान की बात विधायक जी, पार्षद जी का बात सुन लीजिए। हम भी कह ले चालू बस एक लिखित दे दे मामला यही दरअसल वाराणसी में प्रस्तावित जगन्नाथ कॉरिडोर का विरोध का असर अब चुनाव में भी देखने को मिल रहा है, जो आने वाले समय में भाजपा को भारी भी पड़ सकता है। इसकी वानगी भी देखने को मिलने लगी है। बता दें कि पीएम मोदी के 13 तारीख को प्रस्तावित रोड शो के पहले एक नोटिस जिला प्रशासन के द्वारा 80 नगवा क्षेत्र के 300 घरों को दी गई,
जिसके बाद डोर टू डोर कैंपेन करने गए स्थानीय विधायक सौरभ श्रीवास्तव और उनके समर्थकों को भारी आक्रोश का सामना करना पड़ा। दशकों से अपनी जमीनों पर काबिज लोगों के अंदर घर टूटने की संभावना को देखकर भड़क उठे। इतना ही नहीं, लोगों की नाराजगी इतनी थी कि उन्होंने भाजपा कार्यकर्ता की टोपी उतार दी। वहीं लोगों के गुस्से को देखते हुए भाजपा के विधायक ने मामले को संभालने के लिए कहा कि जो लोग भूमिधारी मालिक हैं, उनका घर मैं जीते जी टूटने नहीं दूंगा। 80 नदी मामले में मैंने कहा था कि एसडीएम सदर का आदेश गलत है, लेकिन जिन लोगों ने 80 नदी के बीच पिलर बनाकर अतिक्रमण किया था, मैं उनका साथ नहीं दे पाऊंगा। वहीं उन्होंने कहा कि रामनगर सड़क चौड़ीकरण के समय भी जिन लोगों ने अपनी जमीन के कागजात दिखाए, सबको मुआवजा मिला, लेकिन लोगों का गुस्सा और विरोध इतना जोरदार था कि विधायक जी को अपने समर्थकों के साथ उल्टे पांव लौटना पड़ा। वहीं इस वीडियो को ट्वीट करते हुए यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष और वाराणसी से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय ने लिखा कि आप वोट मांगने के लिए आए हैं, कृपया आप वोट मत मांगिए, हम लोग विरोध में हैं। यहां 450 परिवारों की बात है। यह बात बनारस की जगन्नाथ गली के निवासी कैंट विधानसभा से भाजपा विधायक सौरभ श्रीवास्तव से कह रहे हैं। विधायक जी वहां मोदी जी के लिए वोट मांगने गए थे, तभी जनता ने उल्टे पांव लौटा दिया। दरअसल 80 के इस नगवा क्षेत्र में कॉरिडोर के नाम पर यहां के मकानों को उजाड़ने की चेतावनी नोटिस मोदी योगी सरकार लगातार जारी कर रही है। प्रधानमंत्री को यह तनिक भी सोच नहीं है कि इतने परिवार विस्थापित होकर कहां जाएंगे। इस निकम्मी सरकार को काशी और काशीवासियों को तनिक भी परवाह नहीं। खैर, इसीलिए जनता ने इन्हें वापस लौटाना शुरू कर दिया है। अब वो दिन भी दूर नहीं जब प्रवासी जी झोला उठाकर गुजरात का टिकट ले लेंगे, क्योंकि उनके अत्याचार और अन्याय की सीमा अब आकाश छू चुकी है। गौरतलब है कि पूरा मामला प्रस्तावित जगन्नाथ कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है। इस कॉरिडोर के लिए 80 नगवा क्षेत्र के करीब 300 घरों पर नोटिस लगा दिया गया है। लोग अपना आशियाना उजड़ने से डरे हुए हैं और काफी गुस्से में हैं। उनका कहना है कि वो यहाँ करीब 80 और 70 सालों से अपना मकान बनाकर रह रहे हैं। जगन्नाथ कॉरिडोर के लिए सर्वे का काम चल रहा है, आज अचानक से हमारी जमीनों को सार्वजनिक घोषित कर उजाड़ने की साजिश रची जा रही है। वहीं आयुक्त कौशल राज शर्मा का कहना है कि हम अपना काम कर रहे हैं, कोई आपत्ति है तो न्यायालय जाइए। वहीं बात करें वाराणसी में मतदान की, तो यहां आखिरी चरण में मतदान हो रहा है, जिसके लिए पीएम मोदी 14 तारीख को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं इससे पहले वो 13 तारीख को एक रोड शो भी करेंगे, ऐसी प्रस्तावित कार्यक्रम है। लेकिन स्थानीय स्तर पर इस बीच जगन्नाथ कॉरिडोर का मुद्दा चुनावी मौसम में गर्माता जा रहा है, जो आने वाले समय में भाजपा के लिए मुसीबत भी खड़ी कर सकता है। तो देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। तब तक के लिए बने रहिए 4 PM के साथ। धन्यवाद।